नमस्कार दोस्तों, रेशमा द किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज के पकोड़े हरी चटनी के साथ। इसके लिए चाहिए हमें 5 प्याज, 1 कप बेसन और जो मसाले लगेंगे वो अजवाइन, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। अब हम प्याज को फाइन काटेंगे। इसका ये भाग भी निकाल देते हैं, ये नहीं डालते। फिर इसको कट करेंगे, इसको ऐसे लंबे लंबे काटेंगे। पतले काटने का मतलब है ये पकोड़े बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनेंगे। फिर हम हाथ से इसको ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अब इसमें अजवाइन डालेंगे आधा चम्मच, हाथ से क्रश करके डालेंगे, इसका स्वाद अच्छा आता है। सूखा धनिया डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। इसको हाथ से पहले हम मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज में से पानी रिलीज हो जाए, तो जो बेसन डालेंगे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 5 मिनट इसको रहने देंगे, फिर बेसन मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, अगर ज़रूरत लगे तो डालना, नहीं तो नहीं डालना। फिर इसमें मैं थोड़ी सी ये शेजवान चटनी डाल रही हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये भजिया डालेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े तैयार हैं हरी चटनी के साथ। हरी चटनी का वीडियो मैंने अलग से डाला है, आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।